स्टूडेंट्स नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू कार्ड्स, पत्तों से रिलेटेड है. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हमें कार्ड्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो पहले मैं तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स. सो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? 52 प्लेइंग कार्ड्स. पत्ते कितने होते हैं टोटल? 52. उसमें से आधे मतलब 26 रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के. अब रेड में भी दो तरह के कार्ड होते हैं, 52 के आधे रेड, 52 के आधे ब्लैक. अब रेड में भी दो पार्ट है, 13 हार्ट ऐसे बना रहता है रेड कलर का एंड 13 डायमंड लाइक दिस. तो जो 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं उसमें से 13 हार्ट के और 13 डायमंड, और जो ब्लैक कलर के 26 होते हैं उसमें से 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब. तो ये हो गया डिवीजन कार्ड्स का. अब 13 13 13 13 ये जो रहते हैं इसमें स्टार्टिंग होती है एस, इक्का जिसे बोलते हैं, एस ए लिखा रहता है. फिर नंबर रहते हैं 2 से 10 तक. और उसके बाद अगर तुम कार्ड्स को ध्यान से देखोगे तो एक में होता है जे, क्यू और के. जे मतलब जैक जिसे बोलते हैं गुलाम, क्यू क्वीन बेगम या रानी, और के मतलब किंग बादशाह या फिर राजा. इन तीनों कार्ड के ऊपर फेसेस बने रहते हैं. तो जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड. तो अभी इन शॉर्ट ये पूरा रिवाइज करते हैं. टोटल कार्ड्स, टोटल 52, हाफ रेड हाफ ब्लैक. सो रेड कलर कार्ड 26, ब्लैक कलर कार्ड 26. उसके बाद चार तरह के होते हैं ये, हार्ट डायमंड स्पेड क्लब. हार्ट के भी 13, डायमंड 13, स्पेड 13 एंड क्लब 13. उसके बाद फेस कार्ड किसे बोलते हैं? फेस कार्ड जैक, क्वीन और किंग. जैक कितने होते हैं? 4. कौन कौन से 4? एक जैक होता है हार्ट का, एक जैक होता है डायमंड का, एक जैक होता है स्पेड का और एक जैक होता है क्लब का. तो ऐसे जैक 4 होते हैं. सिमिलरली हर कार्ड 4 होते हैं. एसेस कितने होते हैं? 4. 1 2 3 4. क्वीन कितनी होती है? 4. 1 2 3 4. किंग कितने होते हैं? 4. तो सभी कार्ड 2 से लेकर 10 तक, ये भी कार्ड सभी कितने होते हैं? 4 4. तो फेस कार्ड कितने हो गए? 4 + 4 + 4 दैट इज 12. तो एसेस कितने होते हैं? 4. जैक कितने? 4. क्वीन कितनी? 4. किंग कितने? 4. और बाकी सभी कार्ड्स भी कितने? 4 4 4 ईच. नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन कार्ड से रिलेटेड. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. मैंने बताया था सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस. तो यहाँ पर NS कितना हो जाएगा? 52, क्योंकि टोटल कार्ड्स होते हैं 52. नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस. तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट? लेट ए बी इवेंट, ये फिक्स रहेगा. ऑफ गेटिंग क्या चाहिए हमें? एन एस. तो एसेस कितने होते हैं? 4. NA इक्वल टू 4. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी PA. PA का फॉर्मूला NA अपॉन NS. 4. NA कितना है? 4 एसेस. और टोटल कितने कार्ड्स है? 52. सो 4 से कैंसिल होगा, 4 1 4 13. आंसर हो गया 1 upon 13. नाउ सेकेंड इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड. स्पेड चाहिए. स्पेड कितने होते हैं? हार्ट डायमंड स्पेड या क्लब, कुछ भी आ जाए. तो सभी कितने होते हैं? 13 ईच. तो NB हो जाएगा 13 और हमें निकालना है PB. PB का फॉर्मूला NB अपॉन NS, 13 अपॉन 52.
और ये कैंसिल होगा 13 से, 13 वन जार 13, 4 जार 52, सो आंसर इज 1/4। ये मैंने एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स लिए तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ये टाइप प्रॉपरली। नाउ सी बी इवेंट ऑफ गेटिंग, कौन सा कार्ड चाहिए? रेड कार्ड। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो व्हाट इज एन सी? एन सी हो जाएगा 26। तो पी सी फॉर्मूला, ऑलवेज राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना, पहले फॉर्मूला लिखना है उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। 26 ones are, 26 twos are. So answer is 1/2. Now next one is face card. तो अभी ABC हो गया, अब D लिखते हैं. Let D be event of getting, क्या चाहिए? Face card. Face card कितने होते हैं हमारे पास? 4 jack, 4 queen and 4 king. तो total face card हो गए 12. So therefore PD, probability of getting face card. Formula क्या होता है? D है ना, तो ND और नीचे हमेशा total मतलब NS. तो ये हो गया 12/52. इसे हम 4 से cancel कर सकते हैं. 4 3 जार 12, 4 13 जार 52. So answer is 3/13. Now the last part. Getting a queen of heart. तो let E be event of getting. क्या चाहिए हमें? Queen चाहिए. Queen of heart. दिल की रानी. कितनी होती है दिल की रानी? रानी होती है 4. Queen होती है 4. एक होती है heart की. एक king होती है. एक queen होती है diamond की. एक क्वीन होती है स्पेड की एंड एक क्वीन होती है क्लब की. लेकिन हमें तो चाहिए क्वीन ऑफ हार्ट, दिल की रानी चाहिए. और दिल की रानी कितनी होती है? सिर्फ एक. तो अब हम निकालेंगे पीई एनी अपॉन एनएस. फॉर्मूले में तुमने नोट किया होगा सब में एनएस नीचे आएगा, तो 1/52. तो इस तरह से हमने प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस किया. आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. और फिर भी जिन्होंने आज तक कभी प्लेइंग कार्ड्स नहीं देखे, अगर मौका मिला तो प्लेइंग कार्ड्स को एक बार देखो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जल्दी समझ में आए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाइस. टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस, दो डाइस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनएस कितना हो जाएगा? 6 × 6 36. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 up to 6 6. नाउ फर्स्ट पार्ट इज सम ऑफ डिजिट. पहले हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज 33. अब हमें मालूम है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 5.3 में, कि जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो सम मिनिमम 1+1 2 आ सकता है और मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12. 6+6 12. मतलब सम जो है वो 2 से लेकर 12 तक ही हो सकता है, हमें मिल सकता है. लेकिन यहाँ पर लिखा है अपर फेसेस पर सम कितना होना चाहिए? 33. सो ये अगर बी इवेंट हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एन बी कितना हो जाएगा? 0. इट इज नॉट पॉसिबल. सम 33 मिलना पॉसिबल ही नहीं है. तो एन बी क्या हो जाएगा? मैंने यहां लिखना है, लिखा नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम्हें लिखना है. लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस 33. सो एन बी हो जाएगा 0 और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन बी अपॉन एन एस, 0/36. सो आंसर इज 0. नाउ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें सम कितना चाहिए? सम चाहिए हमें 10. तो लेट कैसे लिखेंगे यहां पर? लेट ए बी द इवेंट. Let
A B event that sum of digit on upper faces is at least 10. ध्यान से देखो, word है यहाँ पर at least 10, 10 या फिर उससे ज्यादा. अब 10 से ज्यादा क्या हो सकता है? 11, 12. 12 के आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि सम सिर्फ 12 तक ही रहता है. तो हम यहाँ पर A में कौन कौन से आउटकम्स लिखेंगे? 10 कैसे मिल सकता है? 10, 4, 6, 5, 5, 6, 4. 4, 6, 5, 5, 6, 4. 11, 5, 6, 6 कैसे आएगा? 6, 6. So, NA कितना हो गया यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. And therefore, PA equals to NA upon NS. NA कितना है? 6. और NS कितना है? 6, NS 36. कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1/6. नाउ द लास्ट पार्ट इज डिजिट ऑन फर्स्ट डाई. पहले वाले डाई पर जो नंबर होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए दूसरी वाली डाई से. अब 1, 1, 1, 2 इसमें तो सब में पहली डाई पे छोटा नंबर है, पहले वाली डाई पर नंबर बड़ा होना चाहिए. तो लेट सी बी द इवेंट डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई, ये लिखना है. तो अब सी में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? पहले वाले पर नंबर बड़ा होना, इनमें से तो कोई भी नहीं आएगा क्योंकि वन नंबर तो सबसे छोटा होता है. 2, 1, 2, 2, 2, 3 इसमें से सिर्फ 2, 1 ऐसा नंबर है जिसमें पहले पर 2 है और दूसरे पर 1. पहले पर बड़ा है, दूसरे रो में देखेंगे थर्ड रो में कौन कौन से आएंगे? 3, 1, 3, 2. 3, 3 नहीं आ सकता, दोनों इक्वल है. 3, 4 में पहले पर छोटा हो जाएगा और दूसरे में बड़ा, तो सिर्फ ये दो ही आएंगे, 3, 1, 3, 2. अब हम फोर्थ रो में आते हैं, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3 ये तीन आएंगे, ये दोनों इक्वल है और इसमें दूसरे डाई पर नंबर बड़ा हो जाएगा. अब इधर से 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 ये नहीं आएगा, ये इक्वल है और इसमें फर्स्ट डाई वाला नंबर छोटा है. तो क्या आएगा? 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और इधर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. तो ये क्या हो जाएगा? एन सी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. एंड देयरफॉर पी सी इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन एस, 15/36. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.4. Thank you for watching my video. Keep watching and keep learning.